पिछले 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ हमले जरूर किए हैं। ये खबर देखिए, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बमबारी हुई है। ओडेसा, वोलेदार, खार्किव पर अटैक हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। जल्दी से आपको दिखाते हैं फ्रंट लाइन पर कैसे बारूदी गदर मचा हुआ है। देखिए, रूस की यूक्रेन पर भीषण एयर स्ट्राइक। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या मामला है, ये समझिए आप कैसे यहां पर रूस ने एक और बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन पर भीषण एयर स्ट्राइक, जिसमें रूस ने फ्रंट लाइन पर ताबड़तोड़ हमले किए। शहरों को भी बमबारी से निशाना बनाया गया। ओडेसा पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया। ज़ापोरिज़्या में 70 से ज्यादा अटैक हुए। वोलेदार में 9 मंजिला इमारत हमले में नष्ट हो गई। और अब देखिए, खबर यह आ रही है कि रूस यूक्रेन पर और बड़े हमले करने वाला है। यह खबर देखिए, आपको इस खबर से पता चलेगा रूस यूक्रेन में हैवी अटैक ड्रोन तैनात करेगा। यह जानकारी सामने आ रही है। 500 फादर ऑफ ऑल बम जिसको कहते हैं, 500 बम से लैस ड्रोन से हमला करेगा। रूस के डुबना इलाके में चल रही है यह बड़ी तैयारी। 500 से बड़े इलाके में तबाही का डर। तो रूस की सबसे बड़ी जंगी तैयारी आपको दिखाते हैं। रूस की जंगी तैयारी कौन सी है, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं जल्दी से। रूस क्या यहां पर प्लान कर रहा है? रूस हैवी अटैक ड्रोन से हमला करेगा, यह जानकारी आ रही है। ड्रोन 500 बॉम्ब से लैस होगा। 100 किलोग्राम का 500 बेहद घातक बताया जाता है। बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाने की यह क्षमता रखता है। सुखोई में इस्तेमाल होता है यह 500। पहली बार ड्रोन से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे हैवी ड्यूटी ड्रोन वो बना रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जंग की वजह से दुनिया भर में हथियारों की होड़ मची हुई है। रूस, चीन, अमेरिका, इन सब ने हथियारों पर अपना खर्च बढ़ा दिया है। बल्कि इन तीन देशों ने तो हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च किया है। सिप्री की रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं खर्च ताबड़तोड़ हथियारों की होड़ कैसे। देखिए, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें, जो सिप्री कहता है वो ये कहता है कि ये बढ़कर 2.24 ट्रिलियन हो गया है। इसके अलावा सिप्री कहता है कि दुनिया का 56% खर्च अकेले अमेरिका, रूस और चीन कर रहे हैं। और ये देखिए, 2.24 ट्रिलियन हो गया है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये कहती है सिप्री की रिपोर्ट। लेकिन दुनिया का 56% यानी आधे से ज्यादा खर्च तो केवल तीन देश कर रहे हैं, जिसमें पहला नंबर अमेरिका का है, दूसरा रूस का है और तीसरा चीन का। इन तीनों को मिला दें तो 56% खर्च ये तीनों देश कर रहे हैं। यूरोप में मिलिट्री एक्सपेंडिचर 13% बढ़ गया है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। यूरोप में शीत युद्ध जैसे हालात, कोल्ड वॉर जैसे हालात बन गए हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट कहती है। अब आप देखिए, यूरोप में कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है, और इसमें आपके नेटो कंट्रीज भी हैं। आपको दिखाता हूं मैं, फिनलैंड का जो खर्च है वो 36% बढ़ा है। ये देखिए, फिनलैंड जो नेटो में अभी शामिल हुआ है, लिथुआनिया जो पहले से नेटो में है उसका 27% खर्च बढ़ चुका है। आप स्वीडन की बात करें जो नेटो में आने की तैयारी कर रहा है, इसका 12% खर्च बढ़ चुका है। पोलैंड जो कि बिल्कुल यूक्रेन के साथ लगा हुआ देश है और युद्ध के मुहाने पर, यूरोप में अगर वॉर आती है तो पोलैंड में सबसे पहले आएगी, उसने अपना खर्च 11% बढ़ाया है, ये रिपोर्ट सिप्री की कहती है। लेकिन केवल यही देश नहीं है। अब आपको जो हम खबर बताने जा रहे हैं वो बताएगा कि एक और देश जो चीन के आसपास है, वो अपना खर्च कैसे बढ़ा रहा है डिफेंस पर। ऑस्ट्रेलिया का ये फ्रंट ओपन हुआ है और ड्रैगन के साथ कहीं ना कहीं इनका महारण दिखता है।